हमने पहले ही हमको ये इतला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ रखने का, अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा, इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग कि अपने स्वार्थ में किस तरह से युवाओं के रोजगार के मामले को, युवाओं के नौकरी के मामले को इन्होंने पुनः नफरत की राजनीति की ओर ढकेलने का काम किया है। और स्पष्ट रूप से बिहार के युवा जो नौकरी मिलने के बाद खुशियां महसूस कर रहे थे, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को छीनने वाले नीतीश कुमार जी ने आज इस्तीफा देकर के युवाओं को और युवाओं के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच रहा है उस सोच को धक्का पहुंचाने का काम किया है। स्पष्ट रूप से उनको ये बताना चाहिए था कि आखिर किस स्वार्थ में, किस कारणों से वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। ठग और लोभी का जो गठबंधन तैयार हो रहा है, उनको सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि 9 अगस्त 2022 के पहले आपने स्वयं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है, हम सभी समाजवादी विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर के उस शक्ति का मुकाबला करें जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। और उस समय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने आपको ये भरोसा दिया कि हम आपके अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, हम आपके जो सोच है उस सोच को समाप्त नहीं होने देंगे, और हम लोगों ने 9 अगस्त 2022 को आपको साथ दे करके आपके अस्तित्व को भी बचाया, आपके इज्जत को भी बचाया। लेकिन आपने आज उसी पार्टी के हाथों अपने अस्तित्व को गिरवी रख दिया, अपने आप को अपने स्वार्थ में कहीं ना कहीं जो समाजवादी सोच है उसको गिरवी रखने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है।